हेलो आई लव यू। सबसे पहले रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सीएम सर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट मिस्टर संदीप जी, ऑल माय आर्टिस्ट, ऑल इंडिया पर्सन्स, मैं सबको तहे दिल से वेलकम करती हूँ। स्पेशली ऑनरेबल सीएम सर को जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना और बहुत बिजी स्केड्यूल में से यहाँ पर केवल हम लोग को 20 मिनट्स यहाँ पे डाल देंगे। सो एक बार वेलकम के लिए सर, ये सब कोई जानते हैं सर के काम को जो यहाँ पर टूरिज्म के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया। स्पेशली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ये आर्ट एंड जो हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया है वो इस हॉल को इनॉग्रेट करने किया है। डिपार्टमेंट जो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है उसको यहाँ पर बढ़ावा देके प्लेटफॉर्म दिया है फॉर द आर्टिस्ट जो कि यहाँ पर अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है, गोवा टूरिज्म के लिए बहुत काम किया है और सब देखते हैं जो टूरिस्ट आते हैं वो खुश ही लौटते हैं। तो एक बार फिर सर के लिए तालियां। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर का, लेकिन मैं दो चीज बोलना चाहती हूँ। सर आए और सर मुझे एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इस प्रोग्राम के लिए ब्लेसिंग लिखा था, लेटर लिखा था और मैं उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ यहीं से कि राष्ट्रपति को बहुत बहुत थैंक यू जो उन्होंने मुझे लेटर लिखा और सर आए। वो ब्लेसिंग हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं सर से यही कहना चाहती हूँ कि दो वर्ड्स चाहे मोटिवेशन के आर्टिस्ट को प्लीज दे दें। तो सर को माइक Prague International Art Exhibition 2023 at Rate Goa की एग्जीबिशन में मेरे साथ में हमारे डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिस्टर सरगुबे, Prague International एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर डॉक्टर प्राची शर्मा और देश भर से आए सभी आर्टिस्ट, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 दिन से आपने आपका एग्जीबिशन हमारे आर्ट एंड कल्चर के इस हॉल में लगाया और मुझे लगता है पूरे टूरिस्ट और जो द इंटरेस्टेड पीपल दे हैव विजिटेड दिस आर्ट गैलरी, सही में एक से बढ़कर एक जो स्केचेस आपने निकाले, डिफरेंट आर्ट आपने एग्जीबिट किया है, पूरे देश भर के पिक्चर्स आप एग्जीबिट कर सके। जब प्राची शर्मा अभी मुझे पूछ रही थी हमें मेरे मैसेज क्या है, एट प्रेजेंट देश आजादी के अमृत काल में है और हम इंडिया एट रेट 100 की बात कर रहे हैं, तो आजादी के अमृत समय से इंडिया एट रेट 75 से इंडिया एट रेट 100 किस तरह से हो सकती है। सबसे अच्छा एग्जिबिट और सबसे अच्छा स्केच और सबसे अच्छा विजन कौन दिखा सकते हैं, ओनली द आर्टिस्ट यू कैन शो द विजन ऑफ इंडिया एट रेट 100। और मुझे लगता है कि आप ही लोग इस देश को जो इंडिया एट रेट 100 की विजन अच्छी तरह से दे सकते हैं, जो मोदी जी की सोच है इंडिया एट रेट 100 के बारे में अभी सोच रहे हैं, 25 साल में यह देश कहाँ होगा, इस बात को आगे लेने के लिए देश भर के सभी आर्टिस्ट डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। गोवा में आर्ट की कदर हमेशा की है, आर्ट गैलरी और आर्टिस्ट की कदर हमेशा के लिए की है। गोवा में ग्रेजुएट लेवल इन द कोर्स ऑफ स्पेशल आर्ट और रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड विद द टू कोर्सेस इन द मास्टर इन द फाइन आर्ट्स एंड मास्टर इन स्पेशल आर्ट के क्राफ्ट के 2 कोर्सेस हमने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। तो गोवा में भी जैसे कि आर्ट के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हमेशा के लिए बढ़ावा दिया जाता है और इस समय पर जो देश भर से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं और इस आर्ट गैलरी ने जो किसी ने अपना स्केच यहाँ पे डिस्प्ले किया है उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आपको शुभेच्छा मिली है,
मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए भी, और प्रेसिडेंट ने कॉग्निजेंस इस एग्जीबिशन का लिया है, फिर भी फिर एक बार गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। जय राकेश।